बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो। तो इसी नए की दुआ के साथ आज के व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। और आज आपको लग रहा होगा कि शाम के वक्त हमने जो है व्लॉग स्टार्ट किया है, काफ़ी लेट हो गई है, लेकिन हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज जो है ना वो पहले भी शाम का होता ही है, लेकिन आज स्टार्टिंग जो है ना वो शाम में हमने की है। और जी मट्टी मट्टी होती है घर में, इसलिए पाँव पर बहुत ज़्यादा मट्टी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो जी धो लेती हूँ। और मैं अभी जी चूल्हे का मैंने इस साइड पे मुंह कर दिया है, पहले उस साइड पे होता था। मैंने कहा वीवर जो है वो बोर हो जाएंगे वो साइड देख देख के, तो आज सारा जो है ना इस साइड पे मैं खड़ी हो जाती हूँ। आज मेरे मन किया वैसे भी साइड पे खड़े होना, तो रात को तो मेरा दिल डरता है उस साइड पे। मैं कह रही थी मुझे नुक्कड़ में बल्ब लगा के दे दें, लेकिन खैर अभी जी मैं बनाने लगी हूँ हलवा, शहजाद साहब की पसंदीदा जो है रेसिपी वो बनाने लगी हूँ। और अभी जी आग जाते हैं और काम करते हैं जी स्टार्ट। आग लाना भी ना सबसे ही मुश्किल काम मुझे तो लगता है। तो जी चारों तरफ जो है वो अंधेरा हो गया, अंधेरा क्या बल्कि रात हो गई है, चारों तरफ अंधेरा ही छा गया है, टाइम काफ़ी हो गया है। और पहले जो है मैं आग जाने लगी थी, लेकिन ऊपर से जो है वो मगरब की अजानी आ गई, तो हमने जो है ना वो ब्रेक लगा दी व्लॉग पे नमाज वगैरह पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी सूजी को जो है ना मैंने छलनी में जो है वो छान लिया है, वो ठीक है वैसे साफ ही, लेकिन अपनी तरफ से जो है ना वो एहतियात जरूरी होती है। और रवे को जो है वो भून लेते हैं और चम्मच जो इसमें हिलाते रहेंगे ताकि नीचे लगे ना। अब्दुल्ला दी क्या कर रहे हो यहाँ पे, मम्मा को देख रहे हो कि मम्मा हलवा बना रही है? हाँ जी, ये हलवा जी हमारा तकरीबन तकरीबन कब से आया बड़ा जी? सूजी सूजी, हाँ सूजी, चार दिन हो गए, तकरीबन चार पाँच दिन हो गए ऐसे ना। और चार पाँच दिन पहले हमने ये बनाना था, लेकिन डेली याद भूल जाता हमें, हमारी इतनी याददाश्त कम हो गई है ना, कम क्या बताएं आपको। और अभी सूजी जो है ना जी वो ब्राउन होने वाली है, ब्राउन हो चुकी है, खुशबू आ रही है, वो जी सूजी भून ली हमने। और भी बनाते हैं जी चाशनी, दो गिलास जो है वो मैंने सूजी भुनी है और तकरीबन डेढ़ गिलास जो है मैंने इसमें चीनी का डाल दिया है। तो बनाते हैं जी चाशनी, तो जो चाशनी हमारी हो गई है तैयार, दाना बनना जो है वो स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। कहते हैं गलती करके बंदा सीखता है, वैसे भी मुझे स्वीट चीज़ें हैं ना इसका इतना खास कोई जैसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई खास तजर्बा नहीं है मुझे मीठी चीज़ों का, लेकिन शहजाद साहब जो हैं वो मीठी चीज़ें बड़े ही शौक से खाते हैं सिर्फ उनके लिए। आज ये मैंने दूसरी दफ़ा सिर्फ हलवा बनाया, पहले दफ़ा जो मैंने बनाया था ना वो मैंने उस घर में बनाया था। बाकी जो बिरयानी चिकन मतलब जो भी है फास्ट फूड जो है इस तरह के, या फिर चावल वगैरह जैसे तैयार करने वो तो अलहमदिल्ला बड़ी अच्छी तरह से मुझे आते हैं, लेकिन ये जो हलवा वगैरह ना ये मैंने
मुश्किल तो नहीं है लेकिन वैसे मैंने कभी बनाया नहीं है। मुझे जो है ना शुरू से इसकी रीज़न ये है कि मुझे पसंद नहीं है स्वीट चीज़, मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। ऐसे जो है ना जब मैं खा लूँ ना पता नहीं बीपी का मसला को बन जाता है, इसलिए मैं बहुत दूर जाती हूँ मीठी चीज़ों से। तो अभी मैंने इसमें जो है वो दूध ऐड कर दिया है, इतना जो है ना वो खुशक सा हुआ पड़ा था और अभी नरम मुलायम हो जाएगा। इसे थोड़ी देर जो ऊपर रखते हैं थोड़ा सा दूध जो है वो ड्राई हो जाएगा। तो जी ये है हमारी आज की रेसिपी, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने जो है ये आलू मैंने आज बड़ी बड़ी कट करके बनाए हैं। और रोटी जो है हमने पहले कर ली थी, बस हमारा हलवा रहता था जो मैंने तैयार कर लिया और अभी खाते हैं जी खाना। और यहाँ पे देखिए कितना बड़ा नुकसान कर दिया शहजाद साहब ने, ये क्या किया है आपने तोड़े? यस मैंने ये काम किया है। क्या बच्चे वाले आपने काम कर दिया, इतनी जो है ना प्यारी मेरी प्लेट आपने तोड़ी, बस प्यारी थी इस वजह से टूटी है। ये तो कोई बात ना, अच्छा मैंने पहले पूछा कहते हैं अब्दुल्ला ने तोड़ा होगा, मैंने कहा नहीं अब्दुल्ला नहीं, फिर कहते अब्दुल हादी ने तोड़ी होगी, मैंने कहा नहीं, फिर कहते शहजाद साहब ने तोड़ी होगी। मैंने सच बताया ना, सच बताया। हाँ जी, वो कहते हैं ना कि झूठ बोलने से, एक झूठ बोलने से हज़ार झूठ बोलना पड़ता है, तब जाके वो बंदा फिर भी शायद झूठा ही रहता है। तो मैंने बता दिया कि शहजाद ने तोड़ी है। मीठा बनाती रही हूँ ना तो ऐसे जैसे वो दिल जो है मेरा अजीब सा हुआ खड़ा, इसलिए मेरे चाय पीने का कोई मूड नहीं। आप क्या कहते हैं? बस जी मेरा भी खाना खिलाएं और बस हो जाते हैं। अच्छा नहीं मेरे साथ ही चले, सही खा लेते हैं जी खाना। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम है और माशाल्लाह से जी सूरज जो है वो तुलू हो रहा है और सुबह सुबह सूरज निकलने का बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है। परिंदे जो है वो अपनी रोजी की तलाश में जो है वो भी घरों से निकल पड़े हैं और अभी इंतजार कर रहे हैं कि इस घर में खाना कब बनेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी नमाज कुरान पाक पढ़ के अभी जी फ्री में और अब मैं जी नाश्ता बनाने लगी हूँ। कब जो है ये देखिए कब बार बार कह जा रहा है कि खाना बना दे खाना बना दे, और इनके लिए रोटी बनाते हैं। अभी जो है किचन की मैंने सफाई कर ली है, अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता जो है वो मैंने सारा बना लिया है और अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया। मैंने कबों के लिए जो है ये परिंदों के लिए जो हमारे सुबह के फर्स्ट टाइम के मेहमान आए हुए हैं उनके लिए मैं जो है वो चूरी बना रही थी। देसी घी तो हमारे पास नहीं है, अल्लाह कभी वो भी देगा तो जो हम मतलब अपनी हांडी सालन बनाने में ये रोटियों पे लगाते हैं घी, वही जो है डालटा घी से कहते हैं, वही मैंने चूरी में डाल दिया और इसमें चीनी भी मैंने डाल दी है। मैंने सबसे पहले परिंदों को डाल देते हैं क्योंकि वैसे वो फजर टाइम के आए हुए हमारे घर मेहमान। तो यहाँ पे अब्दुल हादी जी अपना टायर लेके जाने लगा है क्योंकि ये गया हुआ था जी हमारे दूसरे घर सुबह, जो ना इसने तंग कर लिए थे मुझे छोड़ के आए उधर, और सुबह तकरीबन ये मेरे ख्याल में जब हम नाश्ता करने लगे थे तब गया था और अभी टाइम हो चुका है जी 10 बज चुके हैं अभी आया। चलो जाओ खेलने लगे हो। तो यहाँ पे बेगम साहबा जो है ना रूम की सफाई कर रही है। आज आपने जो नाश्ता खिलाया ना यकीन माने दिल खुश हो गया। थैंक यू सो मच। क्या स्पेशल था? एक तो हलवा था स्पेशल और ऊपर से पराठे बड़े मजे के थे। थैंक यू सो मच। हलवा जो है सिर्फ आपके लिए, मेरी कोशिश होती है कि जो आपको चीज पसंद हो ना, मुझे ना बनानी आती हो तो वो मैं लाजमी बनाऊं। जैसे कि आपको पता है मुझे स्वीट चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं ट्राई करती हूँ आपके लिए। चला जी बहुत शुक्रिया। तभी नीचे भी सफाई करने वाली, झाड़ू लगाने वाला जी, तो अब्दुल्ला को सुला दिया इधर झूला जी। हाँ, और अब्दुल्ला सो रहा है जी, अब्दुल हादी का भी सोने का टाइम हो चुका है, उसे भी सुलाते हैं। तब तक जो ना रूम को नीट एंड क्लीन कर लेते हैं क्योंकि ये साफ सुथरा होगा तो फिर मजा आएगा सोने का भी। और उसके बाद हम बैठने को दिल नहीं करता बिल्कुल। नाश्ता करने के बाद जो है कभी कभी तो मैं जो है उठती हूँ, साथ ही रजाइयां वगैरह भी यहाँ पर रख देती हूँ
और ये बिस्तर कॉन्स्टेंटली देर लगती है रूम को नीट एंड क्लीन करने में। कभी कभी जो है फिर ज्यादा जल्दी फिर नाश्ता बनाने के बाद ही खाने के बाद इजीली फिर जो है ना रूम। और एक हफ्ता मेरे ख्याल गुजरा है हमने जब ये सारे बर्तन साफ किए थे, और एक हफ्ते के बाद जो देख सकते हैं फिर इनके ऊपर मिट्टी आना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए इसके ऊपर कितनी मिट्टी पड़ी हुई है। अब कब सफाई इसकी करनी दोबारा? जल्दी कर देंगे, इसमें कौन सा टाइम लगना है। सारा जो है ना कपड़ा इसके ऊपर कपड़े से झाड़ देंगे और फिर कपड़े ये धो लेंगे। बर्तन में नहीं धोती हूँ क्योंकि बर्तन ज्यादा धोए ना तो उनकी लुक जो है चमक जो है खत्म हो जाती है ज्यादा धोने से, तो इसलिए मैं कपड़े से साफ कर देती हूँ। कौन सा हम इनमें खाते पीते हैं इतने ज्यादा खराब होंगे। बस ये है कि मिट्टी इकट्ठा ऊपर जाता है उनको साफ कर देते हैं। और अभी मैं यहाँ तक तो चटाई है ना, आगे जो है जहाँ पे चटाई नहीं है मतलब यहाँ पे जो है पानी छिड़क लेते हैं और फिर झाड़ लगाते हैं। इस तरह मिट्टी सारी ऊपर उड़ उड़ के बर्तनों पर जाती है। तो जब भी पानी को अभी धूप लग गई है ये तो बाहर ही पड़े रहने देंगे, लेकिन ये दो चीजें इनमें से हम पानी पीते हैं। इनमें से पहले पीते थे लेकिन अब इसके इनमें से सिर्फ ये बर्तन धोने के लिए रखी हुई है, और ये दो चीजें जो है इनमें से हम पानी पीते हैं। पानी अच्छी तरह छिड़क लेते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी मिट्टी है। आगे चलो चटाई है खैर आगे की, और यहाँ पे मिट्टी है ना बड़ी ज्यादा होती है। पानी छिड़क देते हैं ताकि ठंडी ठंडी हवा जो है ना हमारे रूम में इंटर हो। ये मैं डेली ऐसे करके ना दरवाजे के आगे मतलब पानी छिड़कती हूँ, एक तो ठंडी ठंडी हवा अंदर आती है और एक मिट्टी गड्ढे से जो है ना वो फिर इतना अंदर नहीं जाता। ये मेरा खुलौता था सॉसपिन जो टूट गया वो भी बेकार गया। और मैं जी अभी ये अदल हादी की चौकी और पिड़ा रख रही हूँ क्योंकि काफ़ी धूप है और धूप में जो है इनका कलर ख़राब हो जाता है, इसलिए सफाई करने के बाद मैं इनको फ़ौरन रख देती हूँ रूम में। अल्हम्दुलिल्लाह जी काम मेरे सारे कंप्लीट हो गए हैं, बारिश चढ़ लग गया है और माशाल्लाह से जी रूम की सारी सफाई हो गई है। थोड़े से बर्तन रहते हैं वो भी जो है मैंने साफ कर लिए हैं। और आज इतनी ज्यादा धूप है ना यकीन माने झाड़ू लगा रही थी बारिश से और ऐसा लग रही थी सब सीने से मैं गिल्ली हो गई। खैर कोई बात नहीं, व्लॉग यही पेंड करते हमारा व्लॉग कम्प्लीट होता है, तो मुझे अपने एक दो में जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।